नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर वन शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। राहुल गांधी ने आज साइकिल से संसद का रास्ता नापा, मगर उनकी साइकिल सिर्फ संसद तक ही नहीं चली थी, उनकी साइकिल महंगाई के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ विरोध का रास्ता नाप रही थी। उनकी साइकिल उन रास्तों पर बढ़ रही थी जिसमें सत्ता तक पहुंचने के सपने थे। उनकी साइकिल उस रास्ते पर थी जो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष एकजुट है। अपने इस साइकिल मार्च से राहुल गांधी ने यह जताने की भी कोशिश की कि भविष्य में अगर मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष कोई मोर्चा बनाता है तो राहुल का किरदार उसमें काफी ज्यादा अहम होगा। विपक्षी एकता का साथ लिए, विपक्षियों की साख लिए, जासूसी कांड पर सवाल लिए, महंगाई के खिलाफ संघर्ष लिए, 2024 की सत्ता के लिए संसद की ओर साइकिल चली है। राहुल गांधी यहाँ पे नजर आ रहे हैं, आप हम लोग काम कर रहे हैं, तो कर रहे हैं। राहुल और भी ऑपोजिशन इज यूनाइटेड। यहाँ पे राहुल कुछ बोलते हुए नहीं, जाहिर तौर पे तमाम टीम को साथ लेने के लिए राहुल गांधी ने अपनी साइकिल पर ब्रेक लगाया। राहुल गांधी की आवाज से संसद भवन की दूरी कहने के लिए तो सिर्फ 2.5 किलोमीटर और रास्ता महज 6 मिनट का है, लेकिन विपक्षियों की साइकिल सिर्फ इस दूरी को नापने के लिए नहीं चली थी, बल्कि महंगाई के विरुद्ध सरकार के शिखर पर दस्तक देने के लिए चली थी। सरकार की नीतियों पर विपक्षी एकता का हथौड़ा मारने के लिए चली थी। 2024 में विपक्षी एकजुटता का संदेश देने के लिए चली थी, संसद की ओर साइकिल चली थी। ये राजपथ है, सचिन राजपथ दिखाइए, और आगे राहुल का काफिला है। हम आपको कोशिश करेंगे वो पूरा रूट मैप शुरू से अंत तक फॉलो करें जिस पर राहुल गांधी और तमाम विपक्षी नेता निकल पड़े हैं। जाहिर तौर पे ये वो वक्त है जब कांग्रेस अपना झंडा बुलंद करने की कोशिश में है। मनोज जी, सर, आपकी साइकिल की स्पीड को देख के हमको साइकिल पकड़नी पड़ी, पर ये तो हमने कवरेज के लिए पकड़ा है, क्या जनता भी इस तरह से आपकी काफिले में जुड़ेगी? देखिए, जनता का ही संदेश है कि आज आप ये साइकिल यात्रा देख रही हैं। एक अहंकारी सरकार जिसने अपने गुरूर में पूरे देश का तहस नहस कर दिया, उस सरकार के खिलाफ जनता के बिगुल का संदेश। अच्छा, और ये जो आपने लिखा है सामने, तेल की कीमतें, गैस की कीमतें, क्या ये जनता के मसले हैं? राहुल गांधी का साइकिल मार्च कई मायनों में राहुल की राजनीति के रंग को गहरा करने वाला है। 2024 के लिए राहुल गांधी ने एक बार फिर से तमन्नाओं के तीर फेंके हैं। उनके तीर की तकदीर में कैसा आसमान होगा ये जानने में समय है, लेकिन हाँ, कांग्रेस के खेमे में खुशियाँ जरूर बिखर आई हैं। आज राहुल गांधी फ्रंट पे हैं और आपके चेहरे पर मुस्कान है। अरे क्यों नहीं, देखिए आज कितने सारे ऑपोजिशन सारे लीडर इकट्ठा हो गए हैं राहुल जी की सुबह की ब्रेकफास्ट की दावत पर। और सारे कुल मिला के जितने सारे विपक्षी दल होते सब आज ये सौगंध खाते हुए ये कहा कि अगले दिन मोदी सरकार के खिलाफ हमारा जंग तेज होगी, हमारा संघर्ष तेज होगी, और हिंदुस्तान की जो बुनियादी सत्ता है, हमारा जो संविधान है, ये संविधान को बचाने के लिए। दादा ये बताइए, ममता बनर्जी हो, अरे ममता दीदी होंगी लीडर की या राहुल गांधी होंगे विपक्ष के? देखिए आज लीडर बनर्जी कह रहे ममता दीदी है लीडर। नहीं, ऐसा कोई नहीं कहा। हम सब मिल के लड़ेंगे, यही कहा आज। 15 दलों के नेता एक साथ साइकिल चला रहे थे, कुछ विरोध में, कुछ क्रोध में, कुछ उम्मीद में, कुछ उत्तेजना में, भावनाओं के अतिरेक में उबलते हुए विपक्षी नेता चले जा रहे थे संसद की ओर साइकिल चली है। बाकी दल क्यों नहीं आए? सारे दल साइकिल चला लेके आ रहे हैं, सारे दल के लीडर पीछे साइकिल में, आप लोग कवर कीजिए, सारे पार्टी आज अटेंड किए, सारे विभिन्न विपक्षी दल एक साथ आए। हम सभी ने उस समय ये निर्णय लिया कि सदन को ये सरकार बंद करके रख रही है, मंदिर की जो ये चाबी मोदी जी अपने पास रखी है, मंदिर उन्होंने बंद करके रखा है, तो विपक्षी दल यही चाहता है कि लोगों की जो आक्रोश है वो हम सड़क तक लेके जाए।
कुछ मौसम की उमस, कुछ सूरज की तपिश और कुछ साइकिल चलाने की आदत छूट जाने के चलते कांग्रेस के कई सांसदों ने साइकिल छोड़ भी दी। कांग्रेस के सांसद खुद काफी गायब हो गए, साइकिल नहीं चला पाए। नहीं, पूरा कांग्रेस वाला है इसमें, ऑल पार्टी है। आज राहुल गांधी का इन्विटेशन पे टिफिन पे चर्चा करे। राहुल की साइकिल आज चली तो है, लेकिन ये साइकिल राहुल को सत्ता तक पहुंचाएगी या नहीं, राहुल को विपक्ष का पहला नेता बनाएगी कि नहीं, सरकार के खिलाफ आगे भी इसी जोश से आवाज उठाएगी कि नहीं, सब बात की बात है। आज की बात ये है कि साइकिल चली है संसद की ओर। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।